हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है फाइलम नॉन कॉर्डेटा, तो आप उसको जाके देखिए। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की, तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में मेनली तीन फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा फाइलम कैरेक्टराइज होता है तीन फीचर्स से। पहला कौन सा है? डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। पहला क्या है? डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दूसरा नोटोकॉर्ड, और तीसरा पेयर्ड गिल स्लिट्स इन फायरिंग्स। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि सारे कॉर्डेट में होंगे। पहला डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दूसरा नोटोकॉर्ड और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहाँ पे भी देखिए, ह्यूमन की अगर हम बात करें, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल पाउचेस, ठीक, यानी ये गिल स्लिट्स वगैरह हो गई और नोटोकॉर्ड हो गया, और साथ साथ में पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है, ये भी रही पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो ये फीचर्स होने ही होने अगर कोई कॉर्डेट है तो। आगे पढ़ते हैं, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, आप समझ सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप पहले एक वीडियो देख सकते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सिलोमेट्स तीनों लेयर प्रॉपर वेल डेवलप होती है, एक्टोडर्म, मेडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट यानी कि जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। आगे पोस्ट एनल टेल रिप्रेजेंट एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, आप यहाँ देख सकते हैं जो पोस्ट एनल टेल है। अब आप कहेंगे इंसान की पूंछ कहाँ होती है? तो भैया एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है पोस्ट एनल टेल कुछ टाइम के लिए, तो वही चीज है यहाँ पे। ये जो पोस्ट एनल टेल होती है ना, पोस्ट एनल टेल कुछ लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में रहती है। और क्या होता है? वेंट्रल हर्ट विद डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स एंड क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है? कि इसमें आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज वगैरह प्रॉपर वे में पाई जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब। आगे पढ़ते हैं, कार्टिलेजनस और बोनी इंडोस्केलेटन। इनकी बॉडी या कार्टिलेज की बनी होगी या बोन की या फिर दोनों की। ठीक है, जो कि ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में होता है। आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी बोन्स भी होते हैं, कार्टिलेज भी होते हैं। अगर आप फिशेस की बात करें तो कुछ फिशेस होती जैसे शार्क, कार्टिलेजनस फिश होती है, और कुछ फिश जैसे वेल वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होती है? बोनी फिशेस होती है। तो ये सारी चीजें, सॉरी वेल तो मतलब मैमल है, लेकिन जो फिशेस होती है कुछ कार्टिलेजनस फिश होती है और कुछ बोनी फिश होती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। फाइलम कॉर्डेटा दो ग्रुप में डिवाइडेड है, पहला प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है? दे डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। प्रोटोकॉर्डेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो लाइफ के सारे स्टेजेस में प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटोकॉर्डेटा का जो नोटोकॉर्ड होता है वो लाइफ के पूरे स्टेजेस में प्रेजेंट नहीं होता। दे इंक्लूड सब फाइल, इसमें दो सब फाइल आते हैं, पहला यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। वही अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो ये दो सब फाइला में डिवाइडेड है, पहला एंगेथा जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट होता है, और दूसरा गैंथोस्टोमा जिसमें जॉ पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, प्रोटोकॉर्डेटा दो पार्ट में, एक यूरोकॉर्डेटा एक सिफेलोकॉर्डेटा, जबकि जो वर्टिब्रेट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंगेथा और दूसरा गैंथोस्टोमा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के। ठीक है, ग्रुप वन प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का सब फाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ फ्री लिविंग टैडपोल लाइक लार्वा, एडल्ट हैज नो नोटोकॉर्ड। यानी कि यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होता है वो टेल में प्रेजेंट होता है, वो भी टैडपोल के, यानी इनके अर्लियर स्टेजेस में, लेकिन एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। वहीं पे दूसरे पॉइंट पे हम चले तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है इन लार्वा एंड डिजनरेट टू गैंगलियन इन एडल्ट। यानी जो इसमें नर्व कॉर्ड होता है वो किस टाइम पे प्रेजेंट होता है? वो लार्वा के टाइम पे प्रेजेंट होता है और डिजनरेट कर जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कहाँ पे? एडल्ट में। ठीक है, और किस में ब्रेक डाउन होता है? गैंगलियन में, गैंगलियन का फॉर्मेशन होता है। आगे ओनली कॉर्डेट कैरेक्टर प्रेजेंट इन एडल्ट इज गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स। इसमें जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में सिर्फ एक ही कॉर्डेट का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं, बाकी कैरेक्टर लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में पाया गया, नर्वकॉर्ड लार्वल स्टेज में पाया गया, और जबकि जो एडल्ट है, एडल्ट में सिर्फ और सिर्फ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यही मतलब कॉर्डेट के कैरेक्टर एडल्ट में होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मे बी एक दो एक्सेप्शन है इसमें। मेराइन होते हैं, ज्यादातर खारे पानी पाए जाएंगे, सॉलिटरी, अकेले भी रहना पसंद करते हो और ग्रुप में भी रहना पसंद करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हेडमैनिया एंड ओइकोप्लियोरा, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा। फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा फिश लाइक मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये फिश
मछली के जैसे होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, हेडलेस होते हैं, ठीक है, इसमें हेड्स नहीं होते, सिलोमेट एनिमल होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्रॉपर वेल डेवलप रहेगी और बॉडी कैविटी पाई जाती है, विच रिटेन नोटोकॉर्ड, यानी इसमें नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है और फेरेंजियल ग्लिसरिड्स पाई जाती है इनके पूरे लाइफ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और गिल्सलिट्स, यानी इनके पूरे लाइफ टाइम में ये तीनों चीज पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, गिल्सलिट्स, ये तीन कैरेक्टर होते हैं, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है, वर्टिब्रेट के तीन कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और गिल्सलिट्स। आगे बढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एक्सटेंडेड थ्रू आउट देयर इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी एंड पॉजिसेस पोस्ट एंड टेल, पोस्ट एनल टेल, इसका क्या मतलब है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड इनके पूरे बॉडी में रहेगी। आप यहां देख सकते हैं ये रही नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड देखिए इनके पूरे बॉडी में यहां से लेके पूरा टेल तक, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी इनके पूरे बॉडी में यहां से लेके पूरे इनके टेल तक, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, इनका सेक्स सेपरेट रहता है, दे आर मोस्टली मेराइन, मोस्टली मेराइन होते, खारे पानी पाए जाते, बरो इन सैंड, सैंड में ये बरो करते, यानी समुद्र में जो बालू या सैंड नीचे पाया जाता है उसके अंदर बरो करके होल बना के उसके अंदर नीचे रहते हैं, इन सैंड ऑफ शैलो सी वाटर, शैलो यानी जहां पानी अंदर मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फियोक्सस और ब्रैंकोस्टोमा, ठीक है, तो इसका दो एग्जाम्पल है, एम्फियोक्सस, यहाँ पे आप एम्फियोक्सस देख सकते हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, गिल्स, गिल्स, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पूरे बॉडी में, ठीक है, टेल तक प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड। आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में पहला सब फाइलम क्या है, एंगैथा, एंगैथा क्या होता है, जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक, इसमें जॉ नहीं होता, दीज एनिमल्स हैव वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम, इसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है और क्रेनियम, क्रेनियम यानी माइंड इनका वेल डेवलप हो रहा है, सक्टोरियल माउथ होता है, यानी इनका मुंह ऐसे होता है जिससे ये चीजों को सक कर सके, ठीक है, क्योंकि जॉलेस होते तो सक्टोरियल माउथ होता है, विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन, इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते। एंगैथा इंक्लूड सिंगल क्लास, एंगैथा में सिंगल क्लास ही आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, यानी सर्कुलर माउथ, इनका माउथ कैसा होता है बच्चों, सर्कुलर होता है, सर्कुलर माउथ कैसा होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये कैसा माउथ है इनका, सर्कुलर माउथ और सक्टोरियल माउथ है, ठीक है, ये चीज क्या करते हैं, यानी ऐसा खतरनाक माउथ है तो एज अ पैरासाइट ही होंगे, है ना, और इंडो पैरासाइट तो होंगे नहीं क्योंकि बड़े होते हो, तो कैसे पैरासाइट होंगे, एक्टो पैरासाइट होंगे, यानी बॉडी के बाहर ही पैरासाइट मतलब अपना जो भी होगा वो करेंगे। चलिए पढ़ते कैसे होता है देखते हैं, पहले पॉइंट पे आते हैं, स्लिमी सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, स्किन इनकी जो स्किन होती है स्मूथ होती है, स्केललेस होती है, बॉडी में किसी तरह कोई स्केल पाई नहीं जाती, दे आर इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट यूज माउथ टू स्टिक टू बैक ऑफ फिशेस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो पैरासाइट होते हैं, ये अपने माउथ को यूज करते हैं फिश के बैक से अटैच होने के लिए। आगे पढ़ते हैं रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है बच्चों, गिल्स से होता है, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, नोटोकॉर्ड सिलिंड्रिकल होता है इनका, रॉड फॉर्म परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इनका नोटोकॉर्ड सिलिंड्रिकल होता है, रॉड फॉर्म की तरह होता है और ये पूरे लाइफ के टाइम में रहता है और इनका हर दो चैम्बर में डिवाइड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन या फिर इसको लैम्प्रे भी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे गैंथोस्टोमा, दूसरा सब फाइलम है गैंथोस्टोमा, गैंथोस्टोमा सिक्स क्लासेस में डिवाइड है। पहला क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी कार्टिलेजनस फिश। देखिए पहले हम लोग फिश को पढ़ते थे पिशेस के अंडर में, लेकिन अब हम लोग इसको दो क्लास में डिवाइड कर दिए, पहला कॉन्ड्रियोसाइट्स और दूसरा हम लोगों ने इसको ऑस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होता है, कार्टिलेजनस फिश, यानी इनकी जो बॉडी होती है बच्चों किससे बनी है, कार्टिलेज की बनी हुई है, जनरली लार्ज, बड़े होते हैं 10 से 20 सेंटीमीटर एंड हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब होता है, इनकी बॉडी इस तरह से होती है जिससे कि वो फ्रिक्शन को मतलब प्रॉपर वे में अवॉइड कर सके, ठीक है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का इनको सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि जो भी इनके बॉडी में किसी भी तरह का अगर फ्रिक्शन वगैरह लगता है, यानी कि तो उससे ये उन चीजों को यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर सके, अवॉइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, स्किन कवर्ड बाय प्लैकोइड स्केल, इनकी स्किन कैसे कवर होती है, प्लैकोइड स्केल से कवर होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लैकोइड स्केल का क्या काम होता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शन को वहां पे मतलब रोकते हैं, सॉरी यहाँ पे 10 टू 20 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, ठीक है, 10 टू 20 मीटर होता है यहाँ पे, ये गलती से हो गया तो ये सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। तो स्किन कवर्ड बाय प्लैकोइड स्केल, इनकी स्किन कैसे कवर होती है बच्चों, प्लैकोइड स्केल से। रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स से एंड नॉट कवर्ड बाय अपरकुलम, और ये इनका जो गिल्स होता है कवर्ड नहीं रहता, ठीक है। स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट इन दम, इसमें स्विम ब्लैडर नहीं होता है, स्क्रीट यूरिया, यूरिया स्क्रीट करते हैं, और फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इससे इनको घाटा क्या होता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने पाते, ठीक है।
यानी कि फिर इनको कैसा कंडीशन चाहिए, इनको ऐसी कंडीशन चाहिए ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडी, इनको नॉर्मल कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। और ह्यूमंस क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हैव टू चैम्बर हर्ट, इनका हर्ट दो चैम्बर में डिवाइड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, ये करंट मारती है टॉर्पीडो, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रायगोन स्टिंग रे और स्कॉलिडॉन डार्क डॉग फिश या इंडियन शार्क, ठीक है। स्कॉलिडॉन क्या होती है, इंडियन शार्क, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। आप यहां देख सकते हैं ये टॉर्पीडो है और ये ट्रायगोन यानी स्टिंग रे। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोनी फिश, ये मेनली बोनी फिश होती है। स्किन इनकी कवर्ड होती है सेक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल से, इनकी किससे कवर थी, प्लैकोइड स्केल से, ठीक है। इनकी किससे कवर थी, प्लैकोइड स्केल से, और इनकी किससे कवर है, साइक्लॉइड स्केल या स्टेनॉइड स्केल। हैव टू चैम्बर हर्ट, इनका दो चैम्बर हर्ट होता है विद सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल, ये पॉइंट वहां उसके लिए भी है, ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स के लिए भी है, सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल, ये कॉन्ड्रियोसाइट के लिए भी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन वहां मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, हैव टू चैम्बर हर्ट, इसमें भी सिंगल ऑरिकल और सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है। आगे ले एग, एग्स देते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ड्रियोसाइट्स में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड, यानी ये भी अपना जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, मतलब आप जानते ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने पाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या, एक्सोकेटस फ्लाइंग फिश, इसको फ्लाइंग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफी मतलब जो सी के सर्फेस पे आके काफी ऊपर तक मतलब जंप करती है। और पेट्रोपेटस, पेट्रोपेट्रस क्या होती है, लंग फिश होती है। तो ये एग्जाम्पल एक्सोकेटस फ्लाइंग फिश काफी एग्जाम में पूछा गया है। आगे पढ़ते हम लोग एम्फीबिया, एम्फीबिया फर्स्ट लैंग वर्टिब्रेट बट ले एक्स इन वाटर, ये पहले लैंड के वर्टिब्रेट है लेकिन ये अपना एक कहाँ देते हैं, वाटर में, क्यों देते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत ज्यादा मतलब हार्ड होता नहीं, तो सनलाइट वगैरह से बचाने के लिए ये कहाँ पे देते हैं, एक अपना मेनली वाटर में देते हैं। आगे हर्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर, इनका हर्ट तीन चैम्बर में डिवाइड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है, जबकि फिश में दो चैम्बर हर्ट है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा और एम्फीबियन में डबल सर्कुलेशन होता है। रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, इसमें रिस्पायरेशन गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, स्किन से भी होता है। गिल्स से कब होगा, अर्लियर स्टेज में होता है, लंग्स से कब होता है, जब लैंड पे रहते हैं, और स्किन से कब होता है, जब वाटर में जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे एक्सक्रीट अमोनिया, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते कौन, टैडपोल लार्वा, और एडल्ट क्या एक्सक्रीट करते, यूरिया। ये ओविपोरस होते हैं, अंडे देते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, फ्रॉग एंड सेलेमेंडर। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है कि जो मेढक होता है, आप देखते होंगे मेढक हमेशा बाहर नहीं रहता, कब बाहर आता है, मतलब हमेशा जब भी बारिश वारिश का मौसम होता है तो ये तब बाहर आते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड यही होता है कि हर टेम्परेचर में अपने आप को नहीं ढालने पाते। आगे हम बात करेंगे रेप्टाइल के, रेप्टाइल भी क्या होते हैं बच्चों, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई वाटर प्रूफ स्किन से, ठीक है। और ये अपनी स्किन कास्ट भी शेड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं जो रेप्टाइल होती है, रेप्टाइल की स्किन कास्ट मतलब शेड रहती है, आप देख के बता सकते हैं यहाँ रेप्टाइल था, ठीक है। तो ये स्किन कास्ट भी अपनी शेड करते हैं, और जो स्किन इनकी स्किन होती है ड्राई होती है और वाटर प्रूफ स्किन होती है। टिम्पैनम प्रेजेंट, टिम्पैनम यानी ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टिम्पैनम इसमें प्रेजेंट होता है। हर्ट डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर, हर्ट इनका तीन चैम्बर डिवाइड होता है लेकिन क्रोकोडाइल के चार चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोकोडाइल का चार चैम्बर हर्ट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, दे आर ओविपोरस, अंडे देते हैं या वीवीपेरस, ठीक है। ओविपोरस वीवीपोरस यानी डायरेक्ट बेबी को बर्थ देंगे, जैसे लिजर्ड और स्नेक। इसका एग्जांपल क्या, कैमलियन स्नेक और वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, ठीक है, हेमिडक्टाइलस भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग एविशियस, एविशियस यानी चिड़िया। दिस क्लास इंक्लूड बर्ड, इसमें बर्ड आते हैं। क्यूटेनियस ग्लैंड इसमें एब्सेंट होती है और इनकी बॉडी बोट शेप होती है जिससे कि आसानी से फ्लाई कर सके। फोर चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है, फोर चैम्बर हर्ट, चैम्बर के यहाँ थोड़ी स्पेलिंग में सही है, सॉरी, इसमें फोर चैम्बर हर्ट होते हैं। बोन्स आर लाइट, इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और स्पॉन्जी होती है और इनकी हड्डियों में एयर कैविटी होती है जिससे कि आसानी से उड़ लेते हैं। दे आर ओविपोरस, अंडे देते हैं। बर्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि ये वाटर को कंजर्व कर सके। और वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, बर्ड्स कैसे होती है, वार्म ब्लडेड होती है। आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल क्या, सुरोथी कैमलस यानी ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। और इसके साथ साथ कॉर्कियस यानी नीलकंठ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और भी बर्ड्स के एग्जाम्पल है, आप जानते हैं। आगे पढ़ते हैं मैमेलिया, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं जैसा कि आपने बर्ड्स के केस में देखा है, एविशियस के केस में देखा है, लेकिन इसमें क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी ऑयल ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड इसमें दोनों प्रेजेंट होती है। इनका भी हर्ट दो चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे आपने यहां देखा था कि इनका हर्ट फोर चैम्बर में डिवाइड होता है, वैसे इनका भी हर्ट फोर चैम्बर में डिवाइड होता है। मेमरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है जिससे कि अपने चाइल्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनके बॉडी में बॉडी हेयर्स पाई जाती है, ये ज्यादातर वीवीपोरस होती है यानी बेबी को बर्थ देते हैं, लेकिन प्लेटिपस और इकाइड
इकाइडना, ये क्या होते हैं, ओवीपोरस होते हैं, यानी एक देते हैं। इसमें बैट्स, चमगादड़, फ्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, बेलेना, बेलेना साइंटिफिक नेम है वेल, कुछ जगह आप बेलेनो पेटेरा देखेंगे, वो ब्लू वेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बेलेना क्या है, एक पर्टिकुलर जेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेलेना क्या है, वेल है, एलिफस एलिफेंट, और सॉरेक्स शिव जो कि स्मॉलेस्ट मैमल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।